रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। दिस इज हमला बिनते शहजाद। आवर मोटो इज रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर स्किल अप सीरीज फॉर द ग्रेड 1 का यूनिट नंबर 7 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज 4 सीजन्स, यानी कि 4 मौसम जो हमारे मुल्क में पाए जाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में 4 मौसम हैं। तो सबसे पहले देखते हैं SLOs। जी, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड आइडियाज यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स व्हेन स्पीकिंग ऑन मैटर ऑफ इमीडिएट इंटरेस्ट, यानी कि बात करते हुए अपने आइडियाज यानी कि ख्यालात, फीलिंग्स यानी कि जो वो महसूस कर रहे होते हैं एहसासात, उसका इजहार कर सकें। यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड द स्पेलिंग एंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। डिक्शनरी को इस्तेमाल करते हुए किसी स्पेसिफिक वर्ड का मतलब और उसके स्पेलिंग्स को जान सकें। रिकॉग्नाइज एंड यूज क्वेश्चनिंग वर्ड्स व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, यानी कि जो सवालिया अल्फाज होते हैं जिनको उर्दू में 5 काफ, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और इंग्लिश में 5 डब्ल्यूज का नाम दिया जाता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हु, उसके बारे में जान सकें, उसको उसके इस्तेमाल को देख सकें कि कहाँ क्या इस्तेमाल करना है। अरेंज वर्ड्स अल्फाबेटिकली बेस्ड ऑन फर्स्ट लेटर, पहले लेटर को देखते हुए यानी कि पहले हर्फ को देखते हुए किसी भी लव्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको अरेंज कर सकें। नाउ नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज एंड यूज नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड क्लासिफाई देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज सच एज पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी कि क्लासिफाई कर सकें नाउन्स को कि वो किस कैटेगरी में है, एनिमल, प्लेस, थिंग या पर्सन में। अच्छा, अब नाउन क्या आते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नाउन हमारे पास नेमिंग वर्ड्स थे, जैसे कि हमना, टेबल, बुक, कैट एंड लाहौर, ये सारी चीज़ें नाउन हैं। अब लाहौर प्लेस है, हमना जो है वो पर्सन है, बुक थिंग है और कैट जो है वो एनिमल है। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज द प्लूरल नाउन्स डू नॉट टेक द आर्टिकल्स ए और एन, ये जान सकें कि ए और एन तो हम लगाते थे, ए हम लगाते थे हमेशा उन लफ्ज़ों के साथ जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते थे, आ कैट, आ कार, लेकिन जब हम बात करते थे एन वाले लफ्ज मतलब कॉन्सोनेंट वो वाउल्स के बारे में जो लफ्ज वाउल से स्टार्ट होते हैं जैसे एप्पल, एन एप्पल, एन ईगलू, तो वहाँ पर हम एन लगाते थे, लेकिन ये सिंगुलर है, हम कभी भी एन एग्स नहीं कहेंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को ये बताना है कि जब भी हमारे पास प्लूरल्स हो जाएंगे उसके साथ ए और एन नहीं लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास है राइट सिंपल सेंटेंसेस गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट स्टूडेंट्स ऑब्जर्व दिस इज बुक, यानी कि बच्चे जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको देखते हुए जुमला बना सकें। ड्रॉ और सीक्वेंस पिक्चर्स टू टेल अ स्टोरी, अगर एक तस्वीर है तो उसको या तो वो ड्रॉ एंड उसमें बता दें, या अगर तस्वीर आपको पास दी गई है तो उसकी तरतीब देकर बता दें कि कहानी में वाकयात हुए कैसे हैं। स्पेल एंड राइट फेमिलियर कॉमन वर्ड्स एक्यूरेटली ड्राइंग ऑन साइट वर्ड्स, यानी कि आपके जो वर्ड्स हैं उसको बता सके कौन से लफ्ज़ फोनेटिकली पढ़ने हैं, कौन से लफ्ज़ ऐसे हैं जिनको हमने बसरी तरीके यानी कि साइट वर्ड से करना है। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।